उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के जाटवपुरी के वीआईपी मैरिज होम में सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जाटवपुरी गरीब असहाय सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण किए गए और फिरोजाबाद के मुख्य समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष अलकाब निजाम, अलका कुरेशी, चंदन शेख, जाकिर फिरोजाबादी, सिराज अली ने कहा कि सोसाइटी 2 वर्ष से लगातार गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज और गरीब बेटियों की शादियां कराने का कार्य सोसाइटी द्वारा किया जाता है। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जायद हुसैन की रिपोर्ट। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति आज भी कंबल वितरण का प्रोग्राम गरीब मिस्किन मजदूर लोगों को यहाँ पर रखा गया था। सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति जैसे हर वर्ष जो लोग किसी तरीके से गरीब मिस्किन मजदूर लोगों की मदद करते हैं, समय समय पर उन लोगों को जिस तरीके की वो ज़रूरत होती है सोसाइटी आगे रहती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अलकाब निजाम साहब, चंदन शेख साहब और पूरी सोसाइटी की टीम का, जिन्होंने आज ऐसे मुबारक मौके पर हमको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया है। और मैं सभी लोगों से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं का कंधे तक कंधा मिलाकर साथ देने का आज वक्त है, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का वक्त है जो समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़कर ऐसे लोगों की खिदमत करने के लिए आगे आ रहे हैं। लगभग कितनी महिलाओं का आज कंबल वितरण किया गया है? देखिए, कम से कम आज 200 कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर सोसाइटी द्वारा रखा गया है। किस तरह का कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज फिरोजाबाद की खादिमी तंजीम सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जाटवपुरी चौराहे पर मौजूद आके होम में तंजीम के सदर अब अलकाब निजाम साहब, तंजीम के सरप्रस्त तंजीब अलकाब कुरैशी साहब और सोसाइटी के कारकुनान चंदन शेख साहब और तमाम जो कार्य तंजीम के कारकुनान हैं उनके सरप्रस्ती ये कम्बल तंजीम का काम रखा गया, प्रोग्राम रखा गया है जो इसके लिए मुस्तैक लोग हैं, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इसको तंजीम जो है तकसीम कम्बल तकसीम कर रहे हैं। काबिल तारीफ और काबिल एहतराम हैं ये लोग तंजीम के लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। यहाँ प्रोग्राम में उनकी हौसला अफजाई की मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्तैक है इस बार मैं फिर संजीव की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बेहतर और अच्छा काम। आज सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ क्योंकि हमने पिछले साल भी इसी तरीके से गरीब असहाय लोगों को कंबल देकर मदद की थी और शहर के प्रमुख समाजसेवी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने सभी समाज सेवियों का मूवमेंट को देखकर इस्तकबाल किया है। उन लोगों ने हमारा हौसला अफजाई की है और हमारी सोसाइटी लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करती आ रही है। इससे पहले भी हमने कई बार आधार पहचान पत्र के लिंक का कैंप लगाया था जो हमने बिल्कुल फ्री लोगों के काम किए, जिला अस्पताल के अंदर फल वितरण के काम किए। तमाम हमारी सोसाइटी लोगों की मदद करती आ रही है और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि गरीब असहाय लोगों की मदद हमारी सोसाइटी हमेशा तक करती आई है और आगे करती रहेगी। कार्यक्रम आयोजन किया गया है आज सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। सोशल वेलफेयर सोसाइटी लगातार 2 साल से गरीबों, बेसहारा और असहाय लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था और गरीब बच्चियों की शादी कराने जैसी व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। इस सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब अलकाब निजाम साहब और तमाम साथी लगातार 2 साल से आपके शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है। आयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी।